ठीक है। तो देखो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का ये जो टॉपिक है बड़ा ही मजेदार है, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट को हम लोग एनालाइज करेंगे, प्लस आज हम लोग कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को पहचानते कैसे हैं, है ना। ये क्यों खास है, ये फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस क्यों खास है, ये तो हम बता चुके हैं। और बाकी चीजें हम इलेवेंथ वाले क्लास में जो बोर्ड से या कॉम्पिटिशन से लिंक रखता है उसको इलेवेंथ में बात करेंगे, ठीक है। ये एकदम एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ, हैप्पी दिवाली टू एवरीबडी, ठीक है आर्यन, हैप्पी दिवाली टू एवरीबडी, ठीक है। इसलिए आज मैंने सोचा कि दिवाली के दिन कुछ एक्स्ट्रा कुछ अद्भुत क्लास लिया जाए। एक और चीज, इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं, पहले मैं बता रहा हूँ, जो टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ इसको आप सिलेबस से कोरिलेट ना करें, पहला पॉइंट को समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये सिलेबस से कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये दिवाली धमाका है, ठीक है। और बिल्कुल देखते हैं, आज जाते जाते मैं आपसे बम का भी कंपैरिजन करूंगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको कौन से बम जैसा फील हुआ ये भी मुझे आप बताओगे जरूर, लेकिन जाते जाते अभी नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है, मुझे सारे लोग, बस मैं यही बोलूंगा कि सारे लोग इस टॉपिक को पढ़ के देखो, आपको मजा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि टॉपिक है शानदार, ठीक है। और ये बिल्कुल सिलेबस से कोई लिंक नहीं रखता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो लोग पढ़ें, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसा कि मेरा भी तबीयत बहुत अच्छा नहीं है, पेट में गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, अभी भी गड़बड़ है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक। जब माहौल गड़बड़, मैं सोचा कि दिन भर गर्म बैठूंगा, पेट पकड़ के बैठूंगा, मेरा पेट गड़बड़, उससे अच्छा कुछ नया टॉपिक पे बात कर लेते हैं, मेरा भी थोड़ा रिविजन हो जाएगा, मैं भी बहुत कुछ, जैसे क्या होता है मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ ना, तो बहुत कुछ भूलता जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा भी थोड़ा रिविजन हो जाएगा, थोड़ा आपकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, एकदम मजेदार टॉपिक है यकीन मानो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ग्राफिकल वे से हम लोग कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को समझते हैं, देन आपने कुछ कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग कहानी में थोड़े से ट्विस्टिंग पार्ट को भी देखेंगे, एनालाइज करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को ग्राफिकल तरीके से कैसे पहचान सकते हैं, है ना। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल से मैं बताता हूँ, एकदम छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है, लेट्स टेक अ फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये वाला फोर्स कंजर्वेटिव है या ये वाला फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं, मान लीजिए कि कोई फोर्स का वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है। हमने जैसा कि बोला है प्योर मैथमेटिकल टॉपिक है, लेकिन आपको थोड़ी देर में फील आने लगेगा। मैं आपको अभी तो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि ग्राफ क्या है, तो आप कैसे पहचान दोगे, अभी मेरा पेट गड़बड़ चल रहा है। तो ग्राफ क्या है तो आप कैसे पहचानोगे, अभी मैं आपको ये फील कराने की कोशिश करूंगा, और लास्ट में मैं आपको एक दुनिया का सबसे लाजवाब फॉर्मूला बताऊंगा। लोग उस फॉर्मूला को बोलते रट लो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उस फॉर्मूला को फील करो कि वो फॉर्मूला आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है, मैथमेटिकल वे, ठीक है। तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे, मतलब आज के इस टॉपिक में परमाणु बम से कम बड़ा धमाका नहीं होने वाला है, रियल धमाका यही है, ठीक है। तो तुम लोग बस जब पूरा पढ़ लोगे तब देन आफ्टर मैं बात करूंगा कि कौन सा बम जैसा आपको महसूस हुआ, फुस बम निकला या परमाणु बम निकला या फिर कौन सा बम, ठीक है। तो आज खाली बम बम की बात होगी, ठीक है, बोल बम, है ना। तो खैर आप चलो एक फोर्स का नाम लिखते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा जानकारी के लिए, एक्स आई क्या प्लस वाई जी क्या, है ना। मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन सा फोर्स है, ठीक है, ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। अगर कहीं पे अगर इस तरह का फोर्स लग रहा है तो ये किस तरह का फोर्स है, है ना। सो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, तो इसके लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है और वो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। तो मैं क्यों ना इसको एनालाइज करने की कोशिश करूं, जिनको ये एनालिसिस आ जाएगा वो बहुत ही कम समय में चीजों को एनालाइज कर लेंगे कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, पहचानने में आपको थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी। और मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ कि आईआईटी या किसी और एग्जाम में, जेई में जो भी सवाल आएगा तुरंत पहचान लोगे, ठीक है, तुरंत पहचान लोगे, वहां उस लेवल का टफ सवाल नहीं आएगा कि आप पहचान नहीं पाओगे। तो चलो जरा देखते हैं, मान लीजिए फोर्स इज इक्वल टू एक्स आई क्या प्लस वाई जी क्या। अब हम कैसे पहचानेंगे कि फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। सो चलिए जरा इस फोर्स का हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, इस फोर्स का एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, जरा चेक करते हैं। पहले देखो मैं पहले क्या बोला, मैं ग्राफिकल वे से देखता हूँ। अच्छा अगर आप इस फोर्स को देखोगे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, है ना। तो देखो एक्स आई कैप कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस जिंदा रहेगा, वाई वाला पार्ट जीरो। तो देखो एक्स आई कैप का मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, जरा ध्यान से देखिए। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे। अगर आप वाई का वैल्यू चेक करोगे, मान लो वाई का वैल्यू थ्री ले लोगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, तो वाई जे कैप मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर। अगर आप यहाँ ले लोगे
तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो इधर है ना, आप यहां ले लोगे तो इधर, तो आप इन चारों जगहों पे फोर्सेस को मिला के देखे तो इस पॉइंट के लिए इधर दिख रहा है, यहाँ पे इधर, यहाँ इधर, इधर। अगर आप यहाँ पे कहीं लोगे तो देखो एक्स भी जिंदा रहेगा तो ये वाला फोर्स भी रहेगा, वाई भी जिंदा रहेगा ये वाला भी रहेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा है ना। तो जब आप इन फोर्सेस को ड्रॉ करोगे तो आपको पता है ये फोर्सेस कैसे दिखेंगे, फील करना। तो जब आप इन फोर्सेस को ड्रॉ करोगे तो आपको ये फोर्सेस इस पॉइंट में इधर दिखेंगे, 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 और इतना ही नहीं ये फोर्सेस कुछ ऐसे दिखेंगे। सो ये हो गया इसका वेक्टर फील्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर फील्ड, ठीक है। ये सब फोर्सेस हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे इलाके में फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है, इस पूरे इलाके में फोर्स है, समझना। जैसे ग्रेविटी में क्या होता है, ग्रेविटी में हर जगह पे फोर्स है, यहाँ पे भी आपका कुछ फोर्स है, यहाँ पे भी कुछ फोर्स है। हाँ अलग बात है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं मे बी, अगर आप डिस्टेंस को कंपेरिजन, समझ में है ना। तो अब जरा फील करो, अगर आप जरा फील करोगे इस फोर्स को, एनालाइज करो तो आपको मजा आ जाएगा। आप देखो ये फोर्स इधर की तरफ पे लग रहा है, इधर इधर, तो ये फोर्स का डायरेक्शन है। मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई ब्लॉक यहाँ पे रखोगे तो उसमें फोर्स इधर लगेगा, अगर आप कोई ब्लॉक यहाँ रखोगे उसमें फोर्स इधर लगेगा, आपके ब्लॉक यहाँ रखोगे इधर लगेगा, यहाँ रखोगे इधर लगेगा, यहाँ रखोगे इधर लगेगा, यहाँ रखोगे इधर लगेगा। सो ये हमारा फोर्स का डायग्राम है, क्लियर। मतलब ये पूरे इलाके में फोर्स छाया हुआ है। आप लोग को याद होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, याद करो, जो लोग ट्वेल्थ वाले लोग हो वो बहुत आसानी से इस गेम को समझ लोगे। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आ रहा है कुछ लोगों को, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस होता था, कुछ याद आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही है। अब मेरे दिमाग में एक सवाल है कि सर ये कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, है ना। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, याद करो सबसे बढ़िया तरीका क्या, किसी चार्ज को क्लोज पाथ में चला के देखो। अगर आप जरा सोचो, आप फील करना, टेंशन मत लेना। अगर आप इस चार्ज को, एक चार्ज लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सो एक चार्ज को यहाँ से लेते हैं और इसको क्लोज पाथ में चलाते हैं। क्लोज पाथ में आप कैसे भी चला सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए अगर आप इस रास्ते का सहारा लोगे ऐसे, तो यहाँ पे तो वर्क डन जीरो ही आएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब आप चार्ज को या कोई भी बॉडी, देखो मैंने जब बॉडी को यहाँ रखा तो फोर्स इधर लगा, तो जब मैं बॉडी को यहाँ डिस्प्लेस कर रहा हूं तो देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो आया। अच्छा कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे वर्क डन इन अ क्लोज पाथ क्यों जीरो आया, यहाँ पे वर्क डन इन अ क्लोज पाथ क्यों जीरो आया, कौन से कंपोनेंट के कारण, एफ के कारण, डीआर के कारण या थीटा के कारण, कौन से कंपोनेंट के कारण जीरो आया, एफ के कारण, डीआर के कारण या थीटा के कारण। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ये जो वर्क डन जीरो आया ना, उसके लिए मेन जिम्मेदार था कॉस थीटा वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या था 90 डिग्री, है ना। सो जब भी आप यहां से यहां डिस्प्लेस किए, नो वर्क डन, यहाँ आप थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करते जाओगे तो देखो, आपने अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो फोर्स तो इधर, याद करो आपने इधर डिस्प्लेस किया फोर्स इधर, है ना, आपने इधर डिस्प्लेस किया फोर्स इधर। तो हर बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो अगर आप हर बार एंगल 90 डिग्री, तो कहीं भी वर्क डन हुआ ही नहीं, आप देखोगे कहीं भी वर्क डन नहीं हुआ। सो वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज कमिंग आउट टू बी जीरो, है ना। सो ये ग्राफ से एक बात की तो एनालिसिस बन जाती है मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे वर्क डन जो है वो क्लोज पाथ में जीरो है, मतलब ये कंजर्वेटिव फील्ड है। लेकिन एक सेकंड, कुछ लोग मुझसे एक सवाल पूछेंगे, सर हो सकता है ये इत्तेफाक से जीरो आया हो, क्यों ना हम चार्ज को ऐसे मूव क्यों कराए। कुछ लोगों का ये भी कहना हो सकता है चार्ज को हम ऐसे ले जाए, देखो ऐसे ले जाए, ऐसे ले जाए, ऐसे ले जाए, ऐसे ले जाए, तो ये भी आपका वर्क डन इन अ क्लोज पाथ ही तो है, ग्रीन वाला, है ना। सर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर हो सकता है इत्तेफाक से एक बार जीरो आ गया, क्या ऐसे ले जाए। तो देखो यहां से भी अगर आप लॉजिक लगाओ, मैं मैथ्स के बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहता क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है, समझो। मैं मैथ्स का जहां डेप्थ होगा आप वहां समझ नहीं पाओगे मेरे मैथ्स के डेप्थ को, सो टेंशन नहीं लेना। मैं अभी बहुत ज्यादा हॉटपॉट नहीं करना चाहता, मैं बस ये आपको समझाना चाहता हूँ। अगर देखो जब आप यहां से यहां चले गए, यहां से यहां चले गए, यहां से यहां और यहां से यहां, है ना। तो देखो यहां से यहां गए तो वर्क डन, आप अगर लॉजिक से देखोगे तो नेट वर्क डन कितना आएगा वही देखना है, तो सारे वर्क डन को जोड़ो। अच्छा यहां से यहां जब कोई ब्लॉक को मूव किया तो वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव, टेल मी, ईमानदारी से बताइए, वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है। यहां से अगर आप यहां गए तो वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव, तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव आएगा, वेरी गुड। तो यहां से यहां वर्क डन पॉजिटिव, अच्छा यहां से यहां जब चार्ज गया वर्क डन क्या होगा, फटाक से बोलो। जब यहां से यहां चार्ज गया, मैं तुमसे लूंगा, तुम्हारे क्वेश्चन को लूंगा, टेंशन नहीं, यहां से यहां वर्क डन जीरो, है ना। फिर देखो आप जब यहां से यहां गए वर्क डन क्या हुआ, जरा फील करो, यहां से यहां गए वर्क डन क्या हुआ, नेगेटिव, क्या ये बात। फिर यहां से आगे वर्क डन क्या हुआ, फटाक से देखो यहां से आगे वर्क डन क्या हुआ, जीरो। सो अगर आप टोटल को ऐड करोगे, ठीक है, तो आफ्टर सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, तो हम लॉजिक तो सेट कर सकते हैं कि नेट वर्क डन अगेन कमिंग आउट टू बी जीरो,
है ना। सो देखो यहाँ पे जिस फोर्स, जो फोर्स था, ठीक है, यहाँ फोर्स तो लगा बट समझ में आ रहा है ना। तो हम इस फील्ड में अगर किसी ब्लॉक को मूव किए तो वर्क डन बाय दिस फोर्सेस इज कमिंग आउट टू बी जीरो। तो जब किसी भी ब्लॉक को आप इनिशियल से फाइनल पहुंचाते हो, फील करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, जब किसी भी ब्लॉक को आप इनिशियल से फाइनल पहुंचाते हो और अगर आपको ग्राफ देख के लगता है ये तो वर्क डन जीरो दे रहा है मुझे, वर्क डन जीरो दे रहा है क्लोज पाथ में, तो समझ जाएंगे कि ये वाला फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है। क्लियर? तो इससे एक बात तो साबित हो जाता है, दिस फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ अभी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं तुम्हारे सवाल को, एक सेकंड थोड़ा सा समझो, एक मिनट, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड, क्या ये बात समझ में आ रही? हाँ ठीक है, अब मैं आता हूँ। हाँ बोलो, तुम बोलो। हाँ बोलो। सर मतलब ये तो जैसे ठीक है, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, लेकिन सर ये थोड़ी पता है कि सर मतलब जो वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ओ दैट द पॉइंट। देखो देखो देखो, तुम थोड़ा सा इसमें ओवर एक्साइटमेंट में बोल दिया। ये एक्चुअली में ये इक्वल होके ही होगा, मैंने यार लॉजिक से बोला। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ से यहाँ गए, फील करना, तुम्हें पता है जब तुम कैलकुलेट करोगे तो इन दिस सिचुएशन यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट्स। क्लियर? तुम फील करो, या तो यहां से यहां जाओगे, अगर ये प्योर सर्कल में रहेगा तो ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, जरा देखो। क्लियर? और तुम जब एनालाइज करोगे ना, तो मैथमेटिकल वे से जब तुम एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं, आर्यन, मैं एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे रहा, लेकिन हाँ यहाँ पे जीरो होगा, ये तो तुम तय रहो, क्योंकि ये वैल्यूज को जब तुम एनालाइज करोगे तो देखना सारा कैलकुलेशन वही आएगा। ठीक है, अगर इससे भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि नहीं सर मैं एकदम एक प्रॉपर मैथमेटिक्स जानना चाहता हूँ, देखो मैंने क्या बोला, किसी फील्ड को देख के कैसे पहचानेंगे रफली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट डेटा के साथ हम लोग देख रहे हैं, किसी फील्ड को आप देख के कैसे पहचानोगे कि वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। यहाँ पे खैर मेरा जो डेटा सेटेड है वो एकदम कंफर्म कंजर्वेटिव देगा, सो डोंट टेक टेंशन। हाँ उसके लिए हाँ बोलो डायरेक्ट फॉर्मूला बोल दूं क्या? बोलो, तुम बोलोगे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बोल दूंगा। अगर आप बहुत अगर ये करना चाह रहे हो कि ये क्यों ऐसे हुआ तो बोलो, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बोल सकता हूँ। ठीक है, अब बोल देता हूँ, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल वाई डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। इसे क्या हमने उखाड़ लिया, दैट द पॉइंट, हमने इस एक्सप्रेशन से क्या उखाड़ लिया। सो दिस इज अ मैथमेटिकल वे, समझ आ रहा है ना। तो फॉर्मूला डायरेक्ट बोलने से कोई लॉजिक सेट नहीं हो पा रहा हमारा। ठीक है, हाँ और कुछ पूछना चाहते हो बोलो। एक मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, अभी तुमको अभी फील आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सो डोंट टेक टेंशन। अभी और फील आएगा, अभी देखते था, तुम अभी थोड़ी देर बाद ही बोलोगे अरे सर क्या बात है, ये चीज तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ किसी के दिमाग में और कुछ सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, हाँ अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो अब तुम्हें एक मोटा मोटी आइडिया देना है, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हें एग्जैक्ट आइडिया देना है, क्योंकि तुम्हें इतना पढ़ना ही नहीं है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को हम लोग कर्व से पहचानते हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो उतने डेप्थ में हमें जाने नहीं, फिर भी मैं आपको उनका झलक जरूर दिखलाऊंगा। ठीक है, सो डोंट टेक टेंशन, झलक दिखला जा वाली गाना यहाँ भी चलेगी, टेंशन मत ली। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा फील और चीजों को करते हैं तो शायद थोड़ा सा और मजा आए, है ना। हम लोग तो सा अभी एक और छोटा सा एग्जांपल, जैसे ग्रेविटी को देखो आप, अगर ये हमारा धरती माता है ना, ये सबको बुलाती है, आ जाओ प्यारे बच्चे हमारे साथ, है ना, सबको मैं अपने ठीक है ये मैं जगह दूंगा। देखो तो इस धरती माता ने क्या किया, सबको बड़े प्यार से गले लगाने के लिए बुलाया। अगर आप इस फील्ड को देखो तो क्या आप बता सकते हो ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? तो बाय ऑब्जर्विंग दिस फोर्सेस, ये फोर्स का डायरेक्शन है मोटा मोटी, तो ये कौन सा फोर्स है? मैं बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप बेसिक चीजों से थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग लेवल को ऊपर जाए। तो ये कौन सा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। अच्छा एक चीज तुमने ध्यान दिया होगा, तो कंजर्वेटिव फील्ड को पहचानने का एक सबसे आसान तरीका क्या है? पहला पॉइंट नंबर एक, अगर कोई भी फील्ड एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड हो, कोई भी फील्ड एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड हो, तो 99.9999% चांस है, मतलब मोटा मोटी पूरा चांस है। क्लियर? कोई भी फील्ड अगर एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड हो और वो रेडियली सिमेट्रिकल दिखे, तुम्हें ऐसा महसूस हो कि सिमेट्रिकल दिख रहा है चारों तरफ से, ठीक है, तो समझ जाना कि वो कंजर्वेटिव फील्ड है, कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर? तो जैसे इस फील्ड को देखो, आपको पता चल रहा होगा ये फील्ड तो एक पॉइंट की तरफ रेडिएट हो रहा है, मतलब ये फील्ड क्या हो रहा है, जैसे याद करो आपने टेंथ में पढ़ा होगा रे लाइन कन्वर्ज होते हैं डाइवर्ज होते हैं, तो अगर कोई फील्ड कहीं से कन्वर्ज होते हुए निकल रहा है या डाइवर्ज होते हुए दिख रहा है, तो
तो समझ जाना कि कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल को देखो, अगर आप रितेश, क्या तुम्हें एक एक बात समझ में आ रहा है? ज्यादा टफ पढ़ा रहा हूँ क्या रितेश? रितेश क्या मैंने ज्यादा टफ नहीं सर, सही पूरा एकदम एक एक चीज, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं, कुछ लोगों को हम फीडबैक मिलेंगे इस मामले में। अभी तो देखो, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल, अब मान लो कि तुम यहां से आप कोई भी बॉडी या कुछ भी मूव कराना चाहते हो, मास्क, तो देखो बेटा मास्क को तुम जहां भी मूव कराओगे फोर्स तो इधर लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो वर्क डन इज कमिंग आउट टू बी जीरो, यहां पे वर्क डन जीरो है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या, जरा मैं तुम्हें एकदम ईमानदारी से बताता हूं, कोई भी फोर्स, ठीक है, मैंने बार बार बोला, जो एक पॉइंट की तरफ लगता हुआ दिखे वो कंजर्वेटिव ही है। अब एक लॉजिक से भी उसको सेट कर सकते हो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, आप जैसे इसको देख लो, देखो अभी पूरा फील आ जाएगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू, अच्छा ये कंजर्वेटिव, ये फील आ गया, ये फील आ गया, तो ये कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन ये कंजर्वेटिव है कि एक एक और फोर्स बना गया। पहले देखते तुम्हें बेसिक क्लियर कर पाए, उसके बाद उधर आएंगे। देखो अच्छा बताओ, ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, ऐसे लग रहा है फोर्स, क्या ये कंजर्वेटिव है, कोई मुझे बता सकता है ये कंजर्वेटिव है या नहीं? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ऐसे कोई फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी में, बताओ ये कौन सा है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? ये फोर्स है, तो बताइए कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? तो देखो इसको देख के आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा, नॉन कंजर्वेटिव मे बी, मार के गर्दन उड़ा देंगे, नॉन कंजर्वेटिव मे बी का क्या, मे बी का क्या नहीं, तो इसमें डेटा की भी जरूरत नहीं है, बाटा का चप्पल से मारने लगेंगे ना दिमागे दुरुस्त हो जाएगा, बेकूफ मे बी, ये मे बी क्या होता है, बढ़िया पास करेंगे इस बार, मे बी खाना खाएंगे सर, मे बी क्या है ये सर? देख अच्छा जरा सोच, एक चार्ज को यहां से ले और इस पाथ में घुमा, देखो तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा, वर्क डन इज ऑलवेज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, इसमें डेटा बाटा की कोई जरूरत नहीं, जरा ध्यान से, यहां पे वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्या ये बातें फील आई? देखो यहां से चार्ज को मूव कराओगे वर्क डन जीरो, यहां से चार्ज को मूव कराओगे वर्क डन जीरो, यहां से चार्ज को मूव कराओगे वर्क डन जीरो, यहां से चार्ज को मूव कराओगे, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो यहां से मूव कराओ पॉजिटिव, यहां से पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो जब सारे पॉजिटिव को जोड़ोगे तो वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो तो आने से, सो इन दिस सिचुएशन वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज नेवर कमिंग आउट टू बी जीरो, इसका मतलब ये कौन सा फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव। अब बोलो किसी को डाउट है पूछना चाहोगे पूछो, कोई भी अब कुछ पूछना चाहता है पूछो, हाँ अब पूछो, देन आफ्टर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी जो सवाल मैं दे रहा हूं उस सवाल को तुम लोग सॉल्व करने के लिए बहुत बुद्धि लगा रहे हो, जैसे आर्यन का एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं, सारे लोग उसके एक्सप्लेनेशन को सुने, देन आप लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक सवाल क्या था, इस तरह का एक हमारे पास कंटेनर है, पूरा फील करना सारे लोग, ये कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, सारे लोग फील करना, ये कंटेनर है और यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को एक टेंशन से कनेक्ट किया गया, फील करना सारे लोग, इस ब्लॉक को किससे कनेक्ट किया गया है, टेंशन से, और टेंशन कांस्टेंट है, टेंशन क्या है, कांस्टेंट है, फील करना, ये सवाल को देखो मजा आ जाएगा आपको, आपको तब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज है, ठीक है ना, मैं क्या गजब का चीज हूं, अब समझ में आ जाएगा, देखना इस सवाल को देखो, ठीक है। अभी तो मैं चाहूं तो इसका सटासट आंसर निकाल के दिखा दूं, लेकिन अभी रुक जाओ थोड़ा सा मजे लेते हैं पहले सब। देखो याद करो ये सवाल कुछ फील आया, जैसे सवाल क्या है, एक कंटेनर है इस तरह का, पहले फील करो, एक कंटेनर है, एक ब्लॉक बांधा हुआ और एक रस्सी के हेल्प से इसको खींचा जा रहा है कांस्टेंट फोर्स के साथ, फोर्स कांस्टेंट है, पॉइंट को नोट करेंगे, फोर्स वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब एक सिमेट्रिसिटी तो मुझे दिख रहा है। अब सारे लोग फील करना, अच्छा जब मैं इसको खींचूंगा, तो जब मैं इसको खींचूंगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक कुछ देर के बाद यहां आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो सही है गलत? तो जब ये ब्लॉक यहां आ जाएगा तो रस्सी अब वहां नहीं रहेगा, यहां से रस्सी ऐसे दिखेगा, क्या ये बात सबको समझ में आए, क्या ये बात सबको समझ में? अगर मान लो मैं इसको खींचना शुरू करता हूं तो बताओ कुछ देर के बाद ये ब्लॉक यहां आ जाएगा, तो बताओ रस्सी यहां से जाएगा ना, तो देखो रस्सी ऐसे जाएगा, क्या ये सही है गलत? देखो कुछ देर के बाद यहां आ जाएगा तो ऐसे जाएगा, है ना। अब इस पूरे गेम के दौरान जरा फील करो, यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि टेंशन कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, ये बेटा वो बोलने वाला इंसान कहता है, समझना, आप कभी डिक्लेयर नहीं कर सकते,
जैसे अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं कि टेंशन कंजर्वेटिव है, कुछ लोग बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव है, ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? ये इंपॉर्टेंट इस बात पे आता है कि हम उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। देखो सेम टेंशन को हमने अजीब तरीके से यूटिलाइज कर लिया है ना। अब इस सिचुएशन के हिसाब से बताओ, यहां पे जो टेंशन एक्ट हो रहा है, इस ब्लॉक में लगने वाला जो फोर्स, टेंशन वाला फोर्स, वो कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? क्या कोई मुझे बता सकता है इसमें? यहां पे जो फोर्स लग रहा है, ये जो ब्लॉक वाले फोर्सेस लग रहे हैं, वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? ठीक है, सो आप अपना एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए और मुझे बताइए। तो आमना ने कहा सर नॉन कंजर्वेटिव, समझित कह रहे हैं कंजर्वेटिव, ईशानी कह रही है कंजर्वेटिव। अच्छा ईशानी, तुम्हें कैसे पता चला कि ये कंजर्वेटिव है, एक बार बताओ ईशानी। ठीक है चलो एक्सप्लेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक्सप्लेन करो। बोलो सर मन किया कह दिए। अच्छा ईशानी आर्यन तुम बताओ ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, मैं तुमसे भी लूंगा। ठीक है करो। हाँ सर समझित, हाँ बोलो। आप बता दे ना कि जैसे, अरे नहीं मतलब नहीं सर नॉन कंजर्वेटिव। क्या याद रखो, आप पहले इस फोर्स को देखो, टेंशन को देखो, मजा आ जाएगा। एक बात बताओ बेटा, टेंशन भी इसी पॉइंट की तरफ एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी टेंशन इसी पॉइंट की तरफ है। अगर ब्लॉक यहाँ आ जाएगा तो टेंशन इसी पॉइंट की तरफ है, तो ब्लॉक जैसे भी जाए टेंशन एक ही पॉइंट की तरफ एक्ट कर रहा है। जरा ध्यान से देखो, तो टेंशन एक्ट्स टुवर्ड वन पॉइंट। अगर आप इस सिचुएशन को देखो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाला मान लो अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे दिखते हैं। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है? ऐसा महसूस क्लियर। तो देखो ये फोर्स है, तो देखो पहले जब ब्लॉक यहाँ था, यहाँ पे ब्लॉक था तो टेंशन ये वाला, जब ब्लॉक यहाँ आ गया थोड़ा इधर चला गया तो टेंशन ये वाला, जब ब्लॉक यहाँ आ गया तो ये ब्लॉक यहाँ आ गया, ये ब्लॉक यहाँ आ गया, ये क्या ये बात की लाइक, एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग लाइक दिस, क्या ये बात की लाइक। देखो ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एंड द ब्लॉक इज मूविंग लाइक दिस, है ना। तो अगर सोचो एक इस तरह का टेंशन वाला फोर्स होता, एक फील्ड होता, मजा आता है। जरा फील करो ये फील्ड होता, अब इस फील्ड की क्या खासियत है? यहाँ पे टेंशन की वैल्यू भी फिक्स है। अब तो आर्यन ये भी नहीं बोल सकता कि सर पिछला बार तो डेटा में दिखा, यहाँ तो टेंशन भी फिक्स। आर्यन समझो, सो अगर यहाँ पे टेंशन फिक्स है तो देखो यहाँ से जब आप ब्लॉक को यहाँ से यहाँ मूव कराओगे तो वर्क डन बाय टेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। आप इसको अगर सीधा भी मूव कराते ना तो भी वर्क डन वही होता, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे भी ले जाकर मूव कराओगे तो भी वर्क डन वही होता। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। वाई वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ इन दिस सिचुएशन? फील भी कमाओ, सिचुएशन को थोड़ा और फील करो। देखो ये हमारा टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन। एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक वगैरह देखते हैं, मानो समझाने के लिए मैं बता दूं। देखो जब तुम यहाँ से यहाँ जाओगे वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। देखो चेक करो, यहाँ से यहाँ वर्क डन पॉजिटिव। तुम जब यहाँ से यहाँ जाओगे वर्क डन क्या हो जाएगा? देखो यहां से यहां जाओगे वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, सॉरी जीरो 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 जीरो। और जब यहां से यहां जाओगे वर्क डन, और देखो ऐसे है ना, तो देखो यहां पे वर्क डन नेगेटिव और यहां पे फिर से जीरो। सो देखो वर्क डन इन, समझ में आ रहा ना, क्लोज पाथ। इस क्लोज पाथ में वर्क डन क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। फील करो, तो फील करो। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि सर जीरो नहीं आ सकते, ये कंफर्म जीरो आएगा। देखो कैसे, ये जितना आप इधर गए जितना पॉजिटिव इधर हुआ उतना ही निगेटिव इधर हुआ, है ना। आप कोई भी रास्ता लोगे वर्क डन अगेन कमिंग आउट टू बी जीरो। सो इसका मतलब अगर इस तरह का टेंशन फील्ड होता तो वर्क डन जीरो आता। क्या ये बात समझ में आए? सो इमेजिन करो एक सिचुएशन, आपको ये फोर्स दिख रहा है, इमेजिन करो एक सिचुएशन कि आपको ये फोर्स तो दिख रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन आप ऐसा सोचो कि यहाँ पे बहुत सारे टेंशन वाले फोर्स होते तो क्या होता? जैसे ग्रेविटी, याद करो। अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह लगता है कि नहीं? हर जगह लगता है, लेकिन दिखता वही है जहां पे आपका ब्लॉक है, वो फील्ड होता है एक तरह से, ठीक है। तो वो 12th में पढ़ना आपको, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझो, ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह लग सकता है, जहां पे ब्लॉक होगा वहीं एमजी लगने लगेगा, समझो बात। लेकिन आपको दिखता वहां है जहां पे सही में ब्लॉक है। तो एक तरह से ऐसे इमेजिन करो कि टेंशन हर जगह पे है, समझ में आ रहा है, लेकिन दिख वहां रहा है जहां पे रस्सी आपको दिख रहा है, आप ऐसा समझ के चलो। तो अब आप जरा फील करके देखो, तो जब आप वर्क डन इन अ क्लोज पाथ को कैलकुलेट करोगे, सो अगेन दिस इज कमिंग आउट टू बी जीरो। सो एकदम कंफर्मली मैं कह सकता हूं कि ये कौन सा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है, ये कंफर्म मैं कह सकता हूं किसी लाग लपेट।
इसमें तो मुझे फिलहाल कोई शक भी नहीं है। अगर ये कंजर्वेटिव है तो वर्ग दंड निकालने का हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस का फायदा क्या है मुझे? यही तो फायदा है ना कि अगर एक रास्ता बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट अगर ब्लॉक हो तो ना बहुत सारे लोग कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप ये चीजें पहले क्यों नहीं डिस्कस करते वर्क डन में। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ क्यों करूं मैं डिस्कस, जब हमें कंसेप्ट क्लियर है, जब तो मैं मैथमेटिक्स में क्यों लोगों को उलझाऊं। अच्छा एक बात बताओ, आप जरा फील करके बताओ, अगर आप ब्लॉक को ऐसे मूव कराओगे तो भी वर्क डन वही आएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव प्रूफ मैं कर चुका हूं। तो आप ब्लॉक को ऐसे ले जाओ गिड़गिड़ तब भी वर्क डन वही आएगा, और ब्लॉक को आप ऐसे भी ले जाओगे तब भी वर्क डन वही आएगा। समझो, फील आया क्या मैं क्या कह रहा हूं? फील आया कि अगर आपको यकीन नहीं आता तब चेक करके देखना, डेटा विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। डेटा आप ऐसे करोगे बेटा तो आपकी सारी हेगड़ी निकल जाएगी, क्योंकि ये पाथ बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, ये पाथ इस तरह का पाथ है, और आप जानते हो जब पाथ है खतरनाक और कंजर्वेटिव का है सहारा तो क्यों हम बन जाए बेसहारा। बड़ा ऐसे करोगे तो इंटीग्रेशन करते, मैंने दिया था आपको सॉल्यूशन करके, मैं नहीं बताना चाहता था वो चीजें, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको टफ चीजें मैं बताऊं, मैं कभी नहीं चाहता, मैं यहाँ कोई मैथमेटिक्स का हुनर नहीं दिखाना चाहता हूं, लेकिन एक बंदे ने पूछा तो मैंने बता दिया, दैट्स अनदर इशू। तो कुछ लोग पूछते सर आप क्यों नहीं पढ़ाते कोई भी चीजें ऐसे वैसे, बेटा मेरे पास एक पूरा प्लान है कि कब किसको कैसे पढ़ाना चाहिए, समझ में आ रहा ना? तो आप जब इंटीग्रेशन का सहारा लोगे तो सारी हेकड़ी सही में निकल जाएगी। मतलब लोग इसको बोलते हैं टफ सवाल होता क्या, पहले ये समझो, आप कंसेप्ट को क्लियर रखो ना, कंजर्वेटिव समझ गए ना भाई, तो ये रास्ते का सहारा क्यों ले? बेटा फूलों भरी राहों से चलो तो वही आंसर आना है, कांटों भरी राहों से चलो तो वही आंसर आना है, तो क्यों ना हम फूलों भरी राहों से चले? जिंदगी क्या कांटों से चलने से ही रिजल्ट आता है? ऐसा नहीं है, ठीक है, वो लोग भी रिजल्ट करते हैं जो एसी कूलर में पढ़ते हैं, वो लोग भी रिजल्ट करते हैं, बस पढ़ना है आप, चाहे आप स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़िए या घर के लाइट में बैठ के पढ़िए, रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिचुएशन। समझो मैं क्या कहना चाहूं, तो आप रिजल्ट जैसे लाइए दैट इज इशू। तो कंजर्वेटिव फील्ड का यही तो फायदा है, कांटों भरी राहों को फूलों भरी राहों में बदल लो और जिंदगी आसान कर लो। सो दैट्स व्हाई मैं ये कह सकता हूं कि कंजर्वेटिव फील्ड, क्या क्लियर? ये सबको फील आ गया क्या? ये फील आ गया, ठीक है। तो चलो मैं तुमको देख लेता हूँ, तो तुमको नहीं मतलब इस कंसेप्ट को देख लेता हूँ, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो देखो मतलब चीजों को ना एनालाइज करने की जरूरत है आर्यन बाबू, थोड़ा सा ना गजब चीज है साइंस समथिंग डिफरेंट, और तुमको तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैं भी बिल्कुल ठीक है, अब समझ में आ गया बेटा, डिप्लीस बाजी करना रियल कंसेप्ट जानना कितना अंतर है, क्या अब समझ में आया सबको? ठीक है, मैं चाहूं तो बेटा अब ठीक है, तो थोड़ा सा देखो चीजों को फील करते हैं, है ना? तो मान लो कुछ लोग बोलते हैं सर छोटा सा लॉलीपॉप वाला प्रूफ कर दीजिए, ठीक है ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ लोग मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं सर छोटा सा प्रूफ कर दीजिए कि ये सही में कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव। एक तो तरीका है वही लॉलीपॉप 11th टेस्ट है, और एक तरीका है उसको आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स में, ठीक है। तो आज उसको भी प्रूफ कर देंगे। वो तरीका ऐसा है कि वो दुनिया में हर फोर्स को आप टेस्ट कर सकते हो, हर फोर्स जो फोर्स दिया हुआ है उसको आप टेस्ट कर सकते हो, समझ में आ रहा है आर्यन मैं क्या कह रहा हूँ? कोई भी फोर्स जो दिया हुआ है आप उस तरीके से किसी को भी टेस्ट कर सकते हो, वो यूनिवर्सल तरीका है, ठीक है। सो हम लोग यूनिवर्सल तरीके पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले एक छोटा सा लॉजिकल तरीका अपना लेते हैं, 11th वाला तरीका लॉलीपॉप मेथड। देखो अगर मान लो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, फील करो अगर तुम ब्लॉक को ऐसे ले जा रहे हो तो एक तरीका ये है कि इधर से इधर वर्क डन निकालो। अच्छा ये वर्क डन कितना आया था? जो भी आया था मुझे भी नहीं पता है, दैट्स वो एक थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, याद करो मैंने जो बताया था वर्क डन कितना आया था, एक बार याद है सबको मैथमेटिक्स उसका कितना आया था जब ब्लॉक को यहां से यहां मूव किए थे, यहां से यहां 90 डिग्री वाले, जो भी आएगा मैं तुम्हें बताता हूँ कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे दिक्कत क्या, 90 डिग्री में बाय आर बाय टू हो जाएगा। हाँ तो देखो तो ये वाले सिचुएशन में क्या हो रहा था, इस तरह से जा रहा था, याद है ना सबको, सिचुएशन क्लियर होगा है ना। तो देखो यहाँ पे जो वर्क डन आ रहा था एनी वैल्यू आ रहा था, एक तरीका तो ये था कि रास्ता हमने ऐसे लिया, देखो हमने रास्ता ऐसे लिया जो कि कांटों भरी राह थी, ये कांटों भरी राह थी है ना। अरे जो भी आ रहा था देख ये मतलब क्या है, 1812 लिखने का क्या जरूरत है मुझे, टेंशन मान लो टी इज द टेंशन आर इज द रेडियस, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ टी एंड आर क्या आ रहा था, √2TR शायद ऐसा कुछ आ रहा था, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है मैंने जब सॉल्व किया था तो, ठीक है। सो दैट मे बी लाइक दैट टी आर पाई बाय 2
आएगा अगर 90 डिग्री करेंगे तो? हाँ कितना आएगा टी आर? 5/2। हाँ जो भी है, ना 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 ना, ऐसे वाले में कैसे आएगा? तुम गलत बत गलत कर रहे हो, रेडियली ले जा रहे हो ना? अरे बेवकूफ, रेडियली ले जा रहा है तो टेंशन इज नॉट एक्टिंग रेडियली। तुम पूरा कांसेप्ट इसका मतलब कब से गलत पढ़ रहे हो, इसलिए तुमको डाउट है। सॉरी सर। टेंशन इज नॉट एक्टिंग रेडियली, टेंशन ऐसे थोड़ी देख। अरे किसी ब्लॉक को तुम यहाँ हो ऐसे लगाते, किसी ब्लॉक को यहाँ रखते ऐसे लगाते, कोई ब्लॉक यहाँ रखता ऐसे लगाते, ये अलग सिचुएशन है। देखो ये एक अलग सिचुएशन है, नहीं समझे? क्या कर रहे हो तुम लोग? ध्यान से देखो, फील करो। ना ना ना, 11th के बच्चों थोड़ा फील करो, ज्यादा हाई फाई पढ़ाना कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। फील करो, ये दोनों सिचुएशन अलग है मेरे प्यारे बच्चों। देखो फील करो, रटो मत चीजों को। एक्स्ट्रा क्लास है इसलिए मैं आराम से पढ़ाऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं मुझे सिलेबस कंप्लीट करने का। देख अगर तुम ब्लॉक को ऐसे ले जाना चाहते, कोई अब ऐसे ही खींच रहा है इधर फोर्स, जब ब्लॉक यहाँ ऐसे फोर्स लगा रहा है, जब ब्लॉक यहाँ आ गया ब्लॉक पे ऐसे लगा रहा है, जब ब्लॉक यहाँ आ गया ऐसे लगा रहा है, ये एक दूसरे तरीके। देखो तो यहाँ पे फोर्स इज एक्टिंग रेडियली, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर और फोर्स भी इधर, ऐसे क्लियर? लेकिन अगर कोई इसी ब्लॉक को ऐसे खींच रहा है, देख तो टेंशन तो हमेशा बेटा वहां पे पॉइंट किए ना। तो अगर इस तरह के सिचुएशन को देखोगे तो जब ब्लॉक यहाँ है तब भी टेंशन, यहाँ ब्लॉक यहाँ तो भी टेंशन है। देखो तो दोनों में अंतर नहीं है क्या इसमें, और इसमें अंतर है कि नहीं है पता? अरे इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में अंतर नहीं है? देखो यहाँ पे टेंशन, देखो क्लियर? तो यार ये वाले सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो बेटा कभी कंजर्वेटिव हो ही नहीं सकता, सोचो कैसे। अच्छा बताओ अगर कोई ब्लॉक में ऐसा फोर्स लगा, फील करो मजा आ जाएगा। अच्छा बताओ ये कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, ऐसे ऐसे बताओ ये कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, लॉजिक से बताओ ये कौन सा फील्ड है, लॉजिक से बताओ मुझे, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, लॉजिक से बताओ। इसी को नॉन कंजर्वेटिव आप सोचो, अगर इसी फील्ड को इमेजिन करके एक्स्ट्रा एक्सटेंड करो, अगर आप इसी फील्ड को एक्स्ट्रा एक्सटेंड करोगे तो ये ऐसे दिखेगा सर्कुलर। तो बेटा और डाइन क्लोज ना, तो कभी जीरो आने से रहा, ये नॉन कंजर्वेटिव है, समझ में आ रहा है क्या क्या? लेकिन यहाँ पे जब आप इस तरह के सिचुएशन को देखते हो, देखो आप थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा सा भी बदल दोगे ना, तो कंजर्वेटिव से नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव से कंजर्वेटिव बदल जाता है पूरा, इसमें थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी। हाँ तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तो शायद ये वाली वैल्यू आ रही थी टी आर रूट टू, शायद जहां तक मुझे याद है। अब तुम बोलोगे सर आपको याद कैसे? अरे देखो मैं चालबाजी कर रहा हूँ। कुछ बोले सर चालबाजी कहाँ से किया, तुम्हें याद आया कहाँ से किया? मैंने माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया, वो कांटो भरी राह की जगह फूलों भरी राह, मैंने फूलों भरी राह से कैलकुलेट करके बोल दिया यही होना है, क्योंकि कंजर्वेटिव है। नहीं समझ आया, मुझे भी डेटा याद नहीं। हाँ तो देखो अब हमने क्या चालबाजी किया, देखो तुम लोग भी सोच में है, मतलब हैरानी में आ सकते, तुम लोग यही मशवरा, देखो चालबाजी कर, चालबाजी मैंने नहीं किया। हाँ देखो मुझे भी डेटा याद तो है नहीं, अब इतना इंटीग्रेशन करके कौन सॉल्व करेगा, अभी एक बार कर दिया था, कर दिया था, अब ना करूंगा मैं दोबारा। तो मुझे लगा बेटा इतना बार बार इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे ले जाएंगे ऐसे ले जाएंगे, तब तो बेटा पगला जाएंगे। तो हम बोले ऐसे ले जाओ या इस ब्लॉक को सीधा, देखो इस ब्लॉक को सीधा ऐसे ही मूव करा दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही मूव करा दो। तो देखो इसमें ब्लॉक का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, देखो बट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट, यहाँ पे ब्लॉक को ऐसे ही मूव करा दो, तो देखो इसका अभी भी इनिशियल पॉइंट। तो देखो एक सिचुएशन में ये पाथ को देखोगे तो ब्लॉक एक सिचुएशन में ऐसे गया और एक सिचुएशन में ऐसे गया। अच्छा बताओ दोनों सिचुएशन में वर्क डन सेम आएगा क्या लगाएगा, वर्क डन सेम आएगा क्या लगाएगा? तो ब्लॉक को तुम ले ऐसे गए, मैं मानता हूं सवाल में पूछा ले ऐसे जाओ, सवाल में पूछा ब्लॉक को ऐसे ले जाओ, लेकिन बेटा मैं कौन सा बुड़बक आदमी, मैं बोला मैं ऐसे क्यों ले जाऊं ब्लॉक को, सवाल तो कंजर्वेटिव का है तो मैं ऐसे क्यों ले जाऊं, क्या मैं पागल हूं? ना ना मैं ऐसे नहीं ले जाऊंगा, मैं ब्लॉक को कैसे ले जाऊंगा समझो। तो मैंने ब्लॉक को ऐसे ले जाने के बजाय ऐसे ले गए, अब ऐसे ले गए तो मुझे क्या फायदा हो गया समझ लो, तो बेटा टी ही था। अरे टेंशन मत इसी लाइन में लग रहा था, देखो तो टेंशन अगर आप इसी फोर्स को एक्सटेंड करोगे तो यही समझना था टेंशन, टेंशन की वैल्यू तो बदली नहीं, तो टेंशन तो बेटा इसी लाइन में था समझो। ये देखो ये वाला टेंशन यहाँ कुछ देर के बाद यहाँ आ गया था, कुछ देर के बाद यहाँ, कुछ देर के बाद यहाँ, तो उसी फील्ड को मैंने इमेजिन कर लिया बड़े लेवल में, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ यहाँ लगता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ यही है, थोड़ी देर के लिए सोचो तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ भी, अगर ब्लॉक यहाँ होता तो यहाँ भी लगता है। तो मैंने थोड़ा सा इमेजिन कर लिया कि मान लेते हैं कि अच्छा टेंशन सिर्फ वहां लग रहा है, तो मैंने इमेजिन कर लिया कि हर जगह है तब, ठीक है। तो अब जरा देखो अगर मैंने ऐसा इमेजिन किया सिचुएशन में, तो टी हो गया, अच्छा ये वाली दूरी कितनी होगी, तो सारे गधेड़े जानते हैं अगर ये आ रहे ये आ रहे
ये पक्का रूट टू आर हो। तो यहां से मैं कह सकता हूं टी रूट टू आर। तो देखो मैंने ये चालबाजी का सहारा लिया है, क्लियर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के कंसेप्ट क्लियर है तो वर्क डन निकालना काफी आसान है। और वर्क डन ही नहीं, ये सब तो बेसिक कहानी है, अभी तो पूरी की पूरी मूवी बाकी है, ठीक है। ये सब तो पोस्टर रिलीज में कर रहा हूं, क्या फील आ गया। तो देखो आर्यन, जब तुम इधर से वर्क डन निकालो या तुम इस रास्ते से वर्क डन निकालो, ठीक है आर्यन, तुम किसी भी रास्ते से वर्क डन निकालोगे सेम आएगा। तो इतने सारे जब मैथमेटिकल हॉटस्पॉट मैं करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि ये कंजर्वेटिव है ना। अब 11 का बच्चा डर जाता है, बोलते सर इतना बार बार चेक कौन करेगा, है ना, मैं बार बार इतना चेक नहीं करूंगा, मैं भी नहीं करता चेक करूं, तो फिर क्या करेंगे सर। तो उसके लिए आगे बढ़ेंगे, क्लियर। क्या यहां तक सबको फील आ गया, पहले एक बार ईमानदारी से उसके बाद आगे की कार्य बताते। ठीक है, अब जैसे ठीक है शशांक, तुम्हें फील आ रहा है,